देखिए वैशाली नगर विधानसभा में फौजी नगर हाउसिंग बोर्ड है, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोगों की आबादी है, जहाँ पे खुद हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है और झुग्गी झोपड़ी है जिसको राज्य शासन ने पट्टा दिया हुआ है, जो 50 वर्ष से ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। उस जगह को, उस जगह पे 6 ऐसी ज़मीनें थी जो अलग अलग उद्योग के नाम पे उद्योग विभाग ने आवंटित किया। वहाँ पे 2 महीने से वहाँ की जनता लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, ये मांग कर रही थी कि जहरीले गैस से हमारी जान जा सकती है, ऐसा कोई भी उद्योग यहाँ पे ना लगाया जाए जो हमारी जान के साथ खिलवाड़ हो। इस बात को लेके मैं विधानसभा में मैंने तारांगित प्रश्न भी लगाया था, लेकिन समय सीमा नहीं होने के कारण तारांगित प्रश्न में वो आया नहीं। लेकिन आज क्योंकि उद्योग विभाग पे बजट अनुदान पे चर्चा करना था, तो इसलिए आज चर्चा हुई और चर्चा में मैंने मांग किया माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री जी से कि क्यों उसे जो है तत्काल उस जमीन को निरस्त किया जाए, जनहित को देखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। उस स्थान पे लघु उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग या कोई लैब का निर्माण करना चाहिए, या बच्चों के खेलने के लिए कोई गार्डन या उद्योग से संबंधित कोई नया व्यवसाय उसको तैयार करना चाहिए। अभी जो वर्तमान में जिनको भी वो जमीन आवंटित किया गया है उससे कहीं ना कहीं जनता को नुकसान है। माननीय मंत्री जी ने जनमानस की भावनाओं को देखते हुए उस जमीन को निरस्त किया है और इसके लिए मैंने सदन में उन्हें अपनी जनता की ओर से मैंने बधाई भी दिया है। जनहित में ये बड़ा फैसला उद्योग मंत्री जी ने लिया है। धन्यवाद।